नमस्कार दोस्तों, अनसुलझी कहानियों के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें शापित माना जाता है, यानी कि किसी शाप के चलते अब ये या तो भूत रहा है या फिर उजाड़ पड़े हैं। आज हम इसी तरह का मध्य प्रदेश के एक रहस्यमय किले के बारे में आपको अनसुलझी कहानियों में बताने जा रहे हैं, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। यह है असीरगढ़ किला, जो मध्य प्रदेश राज्य की पहाड़ियों में स्थित है। सतपुरा पर्वत की गोद और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित है यह असीरगढ़ किला। इस क्षेत्र में ताप्ती और नर्मदा नदी का संगम भी है। ये प्राचीन समय में दक्षिण भारत जाने के द्वार के रूप में भी जाना जाता था। इस किले और मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे करीबी स्थान बुरहानपुर शहर है, जहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर असीरगढ़ किले में ये मंदिर स्थित है। यहां पहुंचना मन में आध्यात्म के साथ रोमांच पैदा करता है। ये मंदिर काफी पुराना है, यहां तक पहुंचने का रास्ता भी काफी दुर्गम है और मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई भी करनी होती है, पर यहां पर पहुंचने पर विशेष आध्यात्मिक अनुभव होता है। मंदिर चारों ओर खाई और सुरंगों से घिरा है। कहा जाता है कि इस किले में महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा आज भी मौजूद है। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा लगभग पिछले 5000 सालों से यही भटक रहे हैं। किले के संदर्भ में लोगों का मानना है कि किले के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में अश्वत्थामा अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों पर शिव की उपासना और पूजा करते हैं। ये सिलसिला 5000 सालों से जारी है। माना जाता है कि इस खाई में बने गुप्त रास्ते से ही अश्वत्थामा मंदिर में आते जाते हैं। इसके सबूत के रूप में मंदिर में सुबह गुलाब के फूल और कुमकुम दिखाई देते हैं। और ये भी जानते हैं लोग कि अश्वत्थामा मंदिर के पास स्थित इस तालाब में स्नान करते हैं, इसके बाद शिव की आराधना करते हैं। इस मंदिर को लेकर लोग जीवन में एक भय भी फैला है कि अगर कोई अश्वत्थामा को देख लेता है तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि इस किले के रहस्य कभी खत्म ही नहीं होते। यहाँ आए दिन लोगों को इस किले से जुड़ी नई नई चीजों के बारे में पता चलता है। इसी के चलते पुरातत्व विभाग की टीम इस किले में समय समय पर निरीक्षण करती रहती है। इसी को लेकर हाल ही में किले की पश्चिमी दिशा में खुदाई की गई थी। खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम को कई खास चीजें मिली, जिनमें से थी खुदाई के गए स्थान से जमीन के अंदर एक खूबसूरत महल मिला। जांच में सामने आया कि महल रानी के लिए बनवाया गया होगा। रानी महल में गुप्त 20 कमरों का पता चला। साथ ही साथ ये महल 10x10 की जगह में बना हुआ है, अगर पुरातत्व विभाग की माने तो। इस महल में एक स्नान कुंड भी है। साथ ही खुदाई में एक जेल का भी पता चला। जेल में लोहे की खिड़कियां लगी हुई हैं। इसके दरवाजे भी मिले हैं और जेल लगभग 4 बैरकों का है। भारत का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश जितनी अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक चीजों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उतना ही ये अपने रहस्यमय स्थानों के लिए भी जाना जाता है। पौराणिक काल से जुड़ा यहाँ का इतिहास न जाने और कितनी अनसुलझी पहेलियों को खुद में समेटे हुए है। तो ये था दोस्तों मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले की कहानी। एक और नए किस्से के साथ हम वापस जरूर लौटेंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए लोकल टीवी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।